सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपने ये इरादा क्यों किया कि इस इलाके में आपको ये सेंटर खोलना? सबसे बड़ी बात कि सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं। जैसा कि पेशेंट्स आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप फ्री में भी कर देते हैं, फिर आपका फ्री फ्री हो जाएगा तो फिर आपकी कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? देन हार कोई और है, देत है कोई और। और क्या बोलिएगा ऐसे लोगों को, शायद इसलिए भी वो नहीं आ पा रहे हैं, उनको लगता होगा फीस वगैरह काफ़ी हाई होगा, क्योंकि आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट की फीस जो होती है बहुत हाई होती है, ऐसे लोगों से अब क्या अपील की? आइए देख कर जाइए क्या ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग तो यहाँ पर सेवा के भाव से हैं, ऐसे नॉमिनल चार्ज में दे रहे हैं जो कि कोई भी आदमी करा सकता है। ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी कोई एक अच्छे अच्छे डॉक्टरों की जो 500 हज़ार 2000 फीस होती है, उस तरह से नहीं है। चलता है कि फिजियोथेरेपी होगा तो फीस बहुत हाई होगा। हाँ होता है, लेकिन वो ऐसा पेशेंट को क्रिटिकल केसेस में होती है तब होता है। लेकिन ऐसे क्या है, जो आदमी नहीं दे सकते उसका लाइफ नहीं है, जो नहीं पैसा दे सकते हैं उनके लिए सांवरिया सेठ है। क्या आप थिंक कीजिएगा आसपास के लोग? मैंने देखा कि आपके हेल्थ के अलावा यहाँ पर गाड़ी भी चल रहा है और आपने कहा एजुकेशन भी आप लोग कराते हैं, थोड़ा एजुकेशन भी आप लोग बोलिए। देखिए आज के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, हर कौम के बच्चों को पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यदि ये यदि अपना चलता रहे और सभी बच्चे स्कूल में सरकारी हो या इंग्लिश मीडियम हो, जिसके पॉकेट में जितना पैसा है माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो हर बच्चा एक डॉक्टर बन सकता है, हर बच्चा एक पुलिस ऑफिसर बन सकता है, हर बच्चा एक टीचर बन सकता है, हर बच्चा एक डॉक्टर भी बन सकता है। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए स्कूल मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, सरकारी हो इंग्लिश मीडियम हो। सरकारी वाले भी अच्छा पढ़ाते हैं और सरकारी, क्या टाइमिंग है सर यहाँ आपका? सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है इसलिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे टीचर आते हैं, बीएड डीएड पास किए हुए, पीएचडी पास किए हुए। सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में सब है, लेकिन आदमी का पॉकेट नहीं अलाउ करता, इसीलिए वो लोग अच्छे स्कूल बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते, लेकिन सरकारी स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है। यहाँ जो सेंटर है आपका क्या टाइमिंग? यहाँ पर सुबह में 10 बजे चालू होता है और शाम को 7 बजे बंद होता है। इसके साथ साथ में लेडीज़ थेरेपिस्ट अलग हैं और जेंट्स अलग हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेपरेट है, लेडीज़ के लिए लेडीज़ और जेंट्स के लिए जेंट्स, दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। और नहीं तो फिर हम लोग के पास में पर्दे सिस्टम है, पर्दे में घेर के हम लोग देते हैं ट्रीटमेंट, जिससे किसी को तकलीफ नहीं हो। साथ ही में मेरी माँ बैठी हैं, माँ बताएंगी कैसे होता है। माँ आप बताइए। बेटा पर्दा घेर करके हाँ पर्दा घेर करके ट्रीटमेंट औरत करती है, ये लड़की हमारा करती है, और दूसरा जगह पर्दा घेर करके जेंट्स को होता है, तो बाबू मर्दाना करते हैं। बहुत बहुत तो पहली बात तो मुबारकबाद कि आपने इस इलाके को सुना है और नेक भाई साथ हमारे साथ है कि आपका ये जो सेंटर है भले फूले, और लोगों से अपील है लास्ट आप क्या कहिएगा, शुक्रिया का वर्ड कुछ कहें। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।